मतलब अच्छे से ब्रांडेड कपड़े ना सस्ते में ढूंढ रहे ना जहाँ पे आपको मतलब यू नो एक ऐसी मार्केट मिल जाए जहाँ पे आपको सब कुछ इजीली मिल जाए कपड़े जूते यू नो बेड लिनन्स हो गई बेड शीट्स हो गए कर्टन सब कुछ बड़े चीप प्राइसेस पे ना तो बिल्कुल मैं आपको एक ऐसी हिडन मार्केट में लेके जा रही हूँ आज जहाँ पर आपको सब कुछ सस्ते में मिलेगा और आप इनके यहाँ के रेट सुनकर ना एकदम शॉकड हो जाएंगे दिल्ली की मैक्सिमम लोग यहीं पर शॉपिंग करने आते हैं इनफैक्ट बाहर से भी यहाँ लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं तो आज ही आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ पर सारे आर्टिकल्स जो भी आपको दिखेंगे ना मेरे ब्लॉग में एटेस्ट वो सारे सारे आपको अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के दिखेंगे जिनके प्राइसेस भी बहुत कम होंगे और क्वालिटी भी एवन होगी क्योंकि मेरा यू you नो know, वही थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ कि कहाँ मिल रही है जैसे कि आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओ आपका टाइम भी सेव हो आपकी मनी भी सेव हो मोस्ट importantly मनी एंड टाइम दोनों ही बचत होनी चाहिए बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आपको इंदर लोक मार्केट में आना है इंदर लोक मार्केट में कैसे पहुँचना है इंदर लोक का ही मेट्रो स्टेशन है मेट्रो पकड़िए गेट नंबर फ़ाइव ठीक है गेट नंबर फाइव से एग्जिट होना है मैं आपको भी दिखा भी दूँगी जब आप गेट नंबर फाइव से नीचे उतरते हैं ना तो कैसा नज़ारा रहता है बिल्कुल यू you नो know, मेट्रो की सीढ़ियों से ही आपको मार्केट लगनी शुरू हो जाएगी पूरा रास्ता गाइड करती जाऊँगी प्राइसिस सबके बताती तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं इतने दिन कहाँ गायब थी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी लास्ट में वैसे तो मुझे आप सबका मुँह मीठा खाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा सा कुछ यू नो किया है तो बताती हूँ चलिए व्लॉग पूरा देखना एंड तक और ये देखो मैं गेट नंबर फाइव के ना मेट्रो की सीढ़ियों से उतर रही हूँ सन ग्लासेज और सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना और प्लस जो भी कपड़े पहनो ना इतनी गर्मी में प्योर कॉटन या कैमरिक के ही पहनना मार्केट में कहाँ मिलते हैं वो भी मैं बता दूँगी और और भी मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स आएंगे जिनमें मैं आपको प्योर के कॉटन की यू नो साड़ीज़ एंड सूट्स दिखाऊंगी ठीक है अभी ये इंदरलोक मेट्रो का गेट नंबर फाइव है यहीं से बाहर निकली निकलूँ और देखो ये ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा पूरा मार्केट तनातन भरा हुआ मिलेगा बहुत कुछ मार्केट में मिलता है ऑल बट फिर भी मैं आपको कुछ सिलेक्टेड आइटम्स ही दिखा पाती हूँ क्योंकि एक ब्लॉग पे सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊंगी हाँ लेकिन जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वैल्यू फॉर मनी लगती हैं मुझे मैं वही आपके लिए कवर करती हूँ ठीक है अभी जैसे कि ये टेबल मैट थे और उनके पास सोफा कवर्स थे तो ये बड़े फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ के ईच के हिसाब से दे रहे थे तो जो काफ़ी मुझे अफोर्डेबल भी लग रहे थे और ठीक भी थे गर्मी के हिसाब से आप चेंज भी करते रहते हो गर्मी पसीने वाले भी हो जाते हैं तो उस हिसाब से रेट के हिसाब से ठीक थे इस तरह का फैब्रिक मिल जाएगा आपको ये कॉटन का फैब्रिक है जिसके आप यू you नो know, कुर्ती बनवा सकते हो या पूरा प्लाजो वाला सेट बनवा सकते हो कोट सेट बनवा सकते हो और ये सिर्फ और सिर्फ फोर्टी रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाएगा काफ़ी पतला कपड़ा का था अच्छा था और बहुत सारे लोग यहाँ से खरीद रहे थे जिन लोगों को स्टिचिंग आती है वो तो ब्लेस्ड हैं क्योंकि वो खुद ही अपने क्वारचर्स वगैरह बनवा सकते हैं बट वो तो टेलर से बुटीक से भी बनवा सकते हैं ठीक है साड़ीज़ वगैरह मिली थी उस तरफ सिक्स हंड्रेड की थी जो मुझे वर्दित नहीं लगी तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ ये मैट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ के थे इस मार्केट में आपको बहुत जगह जगह ना टेबल मैट्स आई मीन I mean, फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पचास रुपये के रहेंगे टेबल मैट्स ही पचास रुपये के रहते हैं तो आइए आगे देखते हैं बाकी तीस तीस रुपये बीस बीस रुपये इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी सोफ़ा कवर्स वगैरह मिल जाएंगे लॉन्चरी मिल जाएगी यू नो लॉन्च वियर भी आपको ना ब्रांडेड मिलेगा इस तरह के बैग्स दे रहे थे भैया हंड्रेड रुपीज़ का ईच बैग था बाकी बैग्स भी आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे और अच्छे जो नो बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी वाले बैग भी कहाँ मिलते हैं मैंने इस ब्लॉग में वो भी कवर किया है जिसमें आपके यू नो शनैल वगैरह के और सारे गुची ऊंची के बैग्स रहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कहाँ मिलते हैं ठीक है उन होते तो कॉपी है बट स्टिल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं इस तरह की ज्वेलरी लेके बैठे थे एक भैया और ये सारी ज्वेलरी सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ की थी ये भैया ना कार गाड़ी में लेकर आते हैं साड़ीज़ और ये साड़ी जितनी भी लगाते हैं ना सिर्फ ढाई सौ रुपये इनका सेल रहता है यहाँ पे बहुत लोग कई बार हीवी अच्छी भी साड़ी निकल जाती है तो बस चाटने के ऊपर है और आ, मैं आपको बस जो मुझे एक दो पीसेस ठीक ठाक लग रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ जैसे ब्लैक इसका बॉर्डर लगा हुआ है ये भैया एक और दिखा रहे हैं स्ट्राइप्स वाली ये भी अच्छी लग रही थी तो काफ़ी लोग यहाँ से खरीदते हैं या इनके पास इनकी गाड़ी में ही रखी रहती हैं साड़ीज़ अब इन्होंने निकाल दी है बाहर ठीक है तो ये जो साड़ीज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ टू फिफ्टी रुपीज़ की साड़ी रहेंगी ठीक है तो ये अभी मैं रोड पर ही हूँ अभी मैं सिर्फ इंदर लोग जैसे मेट्रो से बाहर आई हूँ उसी रोड पर ही घूम रही हूँ अभी किसी गली के अंदर नहीं गई हूँ ठीक है और नहीं कि स्टील वाले बर्तन वाले भैया ना हमेशा खड़े रहते हैं गेट नंबर दो के पास इंदर लोग की मार्केट का जो द्वार नंबर गेट है उस दो के पास खड़े रहते हैं ये छोटे दस दस बीस बीस रुपए की आइटम्स आपको छोटी सी बकेट मिल जाएगी क्यूट क्यूट आइटम्स हैं पूजा के आइटम ज़्यादा है इनके पास और लकड़ी के भी वुडन के भी आपको मिल जाएंगे तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा गेट नंबर दो के पास यानी कि गेट नंबर दो किंदरलों का मेट्रो का नहीं ठीक है और ये जो ग्लासेस आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये सब बीस बीस रुपए के हैं सब क्या प्राइस ट्वेंटी रुपीज़ है बॉटल्स भी इनफैक्ट बीस रुपए की हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्लास्टिक के हैं ये ग्लास के नहीं हैं कांच नहीं है ये प्लास्टिक है देखने में एकदम ग्लास का लुक आ रहा है मैंने भी हाथ लगाया लेकिन ये ये सब प्लास्टिक है ठीक है तो जो पी सकते हैं वही लें और ये रहा द्वार नंबर दो दोबारा दो नंबर से मार्केट के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले लहंगे की शॉप आती है ठीक है यहाँ से आप लहंगे खरीद सकते हो आपको ब्राइट्स नॉन ब्राइट्स यानी कि ब्राइट मेड्स के लिए भी आपको यहाँ पर लहंगे मिल जाते हैं और हर रेंज पर स्टार्टिंग प्राइस बताऊँ तो पंद्रह सौ रुपये से शुरू हो जाता है और उसके बाद कोई पाँच छः हज़ार तक के हेवी लहंगे भी आपको मिल जाएंगे ठीक है ये गली बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है डिस्पेंसरी के सामने जाएगी और इस बीच में आपको जो जो मुझे इस बीच में अच्छा अच्छा मिलता जाएगा वो मैं दिखा रही हूँ ये सारे ड्रेसेस मिलती जाएंगे इनमें आपको हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाएंगी ड्रेसेस ठीक है लहंगे हैं और इनका जो हाईएस्ट रेट जाएगा वो पाँच से छः हज़ार जाएगा पेड़ के नीचे ही ना भैया सामने ना ये साड़ीज़ लेके बैठे थे इनकी जो साड़ी का प्राइस है वो फोर फिफ्टी है हेवी है। है साड़ीज़ हैं साढ़े चार सौ में और थोड़ी सी हल्के में भी हैं वो साढ़े तीन सौ में बट अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सब थ्री फिफ्टी की साड़ी से फोर फिफ्टी की साड़ीज़ हैं ठीक है ठीके? और सब हैवी क्वालिटी की हैं ठीक है ठीके? ये एक बार ऊपर भी देख लीजिए जो लगी हैं एक बार डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके की साड़ीज़ हैं बाकी यस uh, एक साड़ी का स्पेशल uh, और कॉटन की साड़ी हैंडलूम की साड़ीज़ का स्पेशल ब्लॉग जरूर आएगा वो ज़रूर देखिएगा आप ठीक है और क्योंकि वो जो आर्टिकल्स हैं ना वो एक अलग ही क्लास के रहते हैं वो जब देखो न, आप जब देखोगे ना आप लाइक करोगे बहुत ज़्यादा तो वो ज़रूर देखना वो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ही आएगा और ये देखो इस तरीके के बैग लेके भैया बैठे आए थे ये ना हर बार कुछ डिफरेंट आइटम्स लेकर आते हैं तो ये वाले बैग जो थे ये पचास रुपये के थे लेकिन मैं आपको दूसरे बैग पर दिखाती हूँ इसमें छोटे वाले वो सिर्फ तीस रुपये के थे और ये ब्लॉग क्वालिटी अच्छी थी बड़ा अच्छा मोटा वाला मतलब फैब्रिक था फैब्रिक के ही बने हुए थे जिप वगैरह लगी हुई थी स्लिंग बैग से बट येस क्वालिटी इज़ वेरी गुड अच्छी क्वालिटी के थे वॉशेबल हैं आप वॉश कर सकते हो और आपको लग भी रहा है कोई पीस डरती है तो आप वॉश कर लेना और मेरे सामने कितने लोगों ने तो एक तो दस बारह पीसेस लिए और इसके अलावा आपको ऐसे टेबल मैट्स वगैरह मिल जाएंगे ये वाला जो मेरे हाथ में देख लो ना वाइट वाला बैग जिस पे ये डियर का बना हुआ है ये जो है ना ये सिर्फ तीस रुपये का है ये भी बहुत अच्छा था मतलब बहुत अच्छा था आप इसमें ट्रैवलिंग में भी अपने छोटे मोटे आइटम्स रख के कैरी कर सकते हो ठीक है ना अब ये जो आप देख रहे हैं मैट्स ये वाले सारे के सारे ना अच्छे वाले हैं पाइपिंग वाले जिस मतलब मोटिफ वाले अच्छे वाले हैं और इन सब का जो प्राइस है वो डेढ़ सौ रुपये के आसपास का था बाकी आपको कोस्टर्स मिल जाएंगे पचास रुपये के छः वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो भी इसी क्वालिटी हाँ के ये कोस्टर ये मेरे हाथ में फिफ्टी रुपीज़ के सिक्स पीसेज हैं ठीक है थीके? ये बाकी पूरे मार्केट में आपको लहंगे वहंगे मिलेंगे सूट्स मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे सूट्स भी मिल जाएंगे जैसे देखो अगर आपको थोड़े से हैवी सूट्स चाहिए लाइक पार्टी वेयर सूट्स चाहिए तो आपको ऐसे मोती वोती का वर्क जिसपे हो रखा होता है वो मिल जाएंगे यानी कि ऑर्गेंजा रिओन हर क्वालिटी का आपको यहाँ पे सूट मिलेगा इस मार्केट में ये मार्केट बहुत बढ़िया है और सूटों के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे ढाई सौ रुपये से सूट स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद रेंज तो बढ़ती ही रहती है जितने आप लेना चाहें ठीक है अब ये बच्चों के कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब साढ़े तीन सौ रुपये की सेल में लगे हुए हैं तो बम्पर सेल ही है एक तरीके से बिकॉज साढ़े तीन सौ में आपको बच्चों के पार्टी वेयर यू नो फैंसी क्लोथ्स मिल जाते हैं यहाँ पर यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा मतलब आपको ना टॉप टू बॉटम सब मिलेगा आपको फुटवेयर uh, भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी फुटवेयर की शॉप मार्केट भी है तो वो भी बहुत सस्ता चीप रेट पर मिलता है मैं आपको दिखाऊँगी हंड्रेड रुपीज़ की सेल लगाई थी इस बार भैया ने जो डिस्पेंसरी के सामने बैठते हैं उनके काफ़ी अच्छे फुटवेयर रहते हैं कुछ ब्रांडेड पीसेज भी रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ सौ रुपये के थे तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना सारी आइटम्स अच्छी हैं और एक एक चीज़ आपको पसंद आएगी कि, कि जितने सूट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो सब थ्री फिफ्टी वाले हैं सारे सूट्स सिर्फ और सिर्फ साढ़े तीन सौ में इनफैक्ट आप देने लेने में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कुछ काफ़ी अच्छे भी दिखने में लगते हैं हीवी है लगते हैं कॉटन के चाहते हो कॉटन के मिल जाएंगे आ, हर टाइप के सूट्स आपको इस मार्केट में मिलेंगे ठीक है ना हर क्वालिटी के सूट साड़ी बहुत है उसके अलावा बच्चों के कपड़े भी बहुत है ड्रेस मटेरियल्स भी बहुत हैं तो पूरा मार्केट भरा हुआ है ये सब जो भी आप मेरे हाथ में सूट देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ साढ़े तीन सौ रुपये का है ओनली थ्री फिफ्टी रुपीज़ का ये सूट है और वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो जितने भी आपने स्क्रीन पे देखे हैं सब थ्री फिफ्टी के चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना और एज़ आई प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि मैं ज़रूर एडिटिंग करना सिखाऊंगी तो अगर आप में से किसी को भी सच में इंटरेस्ट है ना तो प्लीज़ यार एक बार येस लिख देना अगर एक भी आया ना मैं तो भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी किसी एक का भी अगर अच्छा कर सकूँ ना तो आई आई एल बी वेरी हैप्पी एंड मैं ज़रूर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी कि कैसे एडिटिंग करती हूँ मैं कैसे करती हूँ बहुत ईजी तरीके से करती हूँ कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं आएगी और आप किसी भी कॉन्टेंट पर आप चाहो तो ऐसी मार्केट्स की वीडियो भी बना सकते हो सबसे ईजी है और अगर आपको लगता है कि पैसे कैसे कमाते हैं तो मैं बता देती हूँ यूट्यूब से भी अर्निंग होती है उसके अलावा जब कोई शॉपकीपर आपको बुलाता है स्पेशली कि उनका कवर किया जाए कलेक्शन तो आपको वो वहाँ से भी पेमेंट मिलती है ठीक है कितनी मिलती है कैसे मिलती है वो मैं आपको धीरे धीरे सब बताती चली जाऊँगी स्टार्टिंग से बता दूँगी कि व्लॉग्स बनाने शुरू कैसे करें मोनिटाइजेशन कैसे होगा बट थोड़ा सा प्लीज़ यार इंटरेस्ट शो कर देना कमेंट में लिख देना कि हाँ आपको भी एडिटिंग सीखनी है मतलब मैं अगर एक भी बंदा ब्लॉगर बन गया ना तो अभी मुझे बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट मैंने किसी के लिए तो हेल्प करी तो आप में से जिसको भी सीखती हूँ ना मुझे बताना फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी ना कुछ वो मैं एडिटिंग के ऊपर ही और पूरा प्रॉपर की कैसे एक यूट्यूबर की जर्नी रहती है और कैसे बनना है आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता दूँगी ठीक है मेरा चैनल येस मोनिटाइज है और बिल्कुल मुझे यूट्यूब से भी पैसे आते हैं और मुझे जब कोई पर्टिकुलर किसी शॉप से भी कॉल आता है तो वहाँ से भी ऑफकोर्स पैसे मिलते हैं ऐसा नहीं है तो अर्निंग तो होती ही है और आपको एक्सपोजर भी मिलता है कि मार्केट uh, में रेट्स क्या चल रहे हैं आपको पता चल जाता है बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है तो वो मैं आपको सबको सिखा दूँगी अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो कि हाँ आपको सीखनी है एडिटिंग और बस आपको कुछ भी नहीं करना येस लिख देना कि uh, वीडियो बना दो तो मैं बना दूँगी ठीक है तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं ये सारे सूट सिक्स में है ऑल सूट सिक्स फिफ्टी में डिस्पेंसरी के नीचे भैया मेन गेट के नीचे बैठे हैं और बहुत सुंदर सूट्स लग रहे थे ये सारे प्योर के सूट्स होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आपको दूसरी मार्केट में हज़ार पंद्रह सौ के मिलेंगे ये देखो औरगैनजा का सूट है सिर्फ साढ़े छः सौ का है ना कितना पिटी तो बहुत सुंदर सुंदर आपको सूट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस मार्केट में वाकई में मार्केट ऐसी है कि जितनी बार आओगे ना आप खाली आदमी जाओगे आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आओगे देखो मेन गेट है डिस्पेंसरी का इसी के सामने भैया खड़े हैं और ये सारे सूट्स आपको सिक्स फिफ्टी में मिलेंगे सिक्स फिफ्टी की सेल पूरी मार्केट में आपको जगह जगह मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत हैवी सूट्स मिलेंगे बट यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है आपको देख के लेना है ठीक है ये डिस्पेंसरी के साथ वाले फुटवेयर वाले भैया हैं जिनके सारे फुटवेयर ब्रांडेड क्लोज टू ब्रांडेड होते हैं और इन सब के में सेल लगी पड़ी है चाहे आप शूज़ लो वेजेस लो सब सौ रुपये के हैं सब सौ रुपये के एकदम फ्लैट सेल है हंड्रेड रुपीज़ की तो ये बहुत बड़ा बम्पर वाला मुझे लगा ऑफ़र क्योंकि हंड्रेड रुपीज़ में आपको ये सारे के सारे फुटवेयर देखने को मिल जाते हैं आप शूज़ ले लो मतलब आई I मीन mean, स्नीकर्स ले लो कुछ भी ले लो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको बैले ले जैसे भी आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेना हील डालना है फ्लैट डालना है वो भी आप देख लीजिए सब सौ रुपये में सब 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 तो है ना कमाल का वीडियो वीडियो भी और आगे अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आके आपको झूले वाले पार्क के पास ले जाऊंगी जहां बॉडी केयर का सामान मिलता है तो पूरा ब्लॉक एंड तक देखना यार प्लीज़ भागना भागना मत बीच में से और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी मैं इतने दिन गायब कहाँ थी ठीक है ये अंकल जी ना ये ऐसे आ, यू नो खाली है मतलब बीस बीस रुपए के या ती तीस रुपए के ये ना पैकिंग के लिए मैंने इनसे बहुत ज़्यादा सुंदर लिए थे ये इस बार वो वाली चीज़ नहीं थी मैं आई भी दो हफ़्ते बाद हूँ तो वो मिस कर गई मैं मतलब वो तो मैंने ख़रीदे भी थे इनसे मैंने आपको खाए भी थे पैकेजिंग के लिए क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो उसमें डालने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे और इसके अलावा ये प्रो प्योर वाले भैया हैं इनके पास प्योर के सूट्स सो, और साड़ी मिल जाती हैं ठीक है थीके? अब हम आगे चलते हैं बच्चों के कपड़े पर ये सब बच्चों के हैं और ये सब दो दो सौ रुपये में सेल लगी हुई थी दो सौ ढाई सौ आई गेस हाँ ढाई सौ था शायद और ये डिस्पेंसरी के सामने वाले भैया ही हैं आप सारी ड्रेसेस देख लीजिए एक भाई बस नज़र डलवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए बच्चों का कैसा कलेक्शन यहाँ मिलता है तो हर टाइप का कलेक्शन है डेली वेयर के हिसाब से भी है और पार्टी वेयर के हिसाब से भी है आपको दोनों तरीके के हिसाब से यहाँ पर कपड़े मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल डिस्पेंसरी के नीचे खड़े होते हैं और ये वो भैया हैं जो ग्लोबल रिपब्लिक का लेकर आते हैं इस बार ग्लोबल रिपब्लिक ब्रांड का नहीं था बट किसी नॉर्मल लोकल ब्रांड का था बट यस क्वालिटी अच्छी थी कपड़े ठीक लग रहे थे टू फिफ्टी का इनका पूरा का पूरा स्टॉल था ठीक है अब इन्हीं के सामने मैं आपको एक ऐसी गली दिखाऊंगी जिसमें वाकई में खजाना मिलता है जिसमें आपको यू you नो know, राजस्थानी गुजराती स्टाइल की भी चीज़ें मिल जाती हैं लाइक ओढ़नी वगैरह बहुत ही कम रेट पर और बहुत अच्छी बेडशीट्स वगैरह मिल जाती हैं तो आ जाइए मैं आपको ये सामने वाली गली के अंदर लेके जा रही हूँ ठीक है ये जो कॉर्नर की शॉप है ना इन भैया के पास भी बहुत अच्छा मटेरियल होता है ऑलवेज होता है इस बार ये फैब्रिक्स लेकर आए हुए थे इस तरीके के आपको फैब्रिक मिल जाएंगे वही चालीस पचास रुपये मीटर बहुत ही रीज़नेबल रेंज रहती है ठीक है अंदर बच्चों के कपड़े भी रहते हैं इनके पास वही दो सौ ढाई सौ वाला रेंज रहता है इनके पास बच्चों के कपड़ों का और ये भैया कुछ सूट्स भी लेकर आए हुए थे कॉटन के और इनके पास जो सूट्स रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं अच्छी क्वालिटी के रहते हैं खादी टाइप के आ, बट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वही सात सौ आठ सौ वाला रेंज है बताएंगे थोड़े ज़्यादा बट आ बार्गिन कर लेना और ये बच्चों का भी इनके पास काफ़ी अच्छा मटीरियल रहता है तो आप ये सब भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो ठीक है ना मैं आपको सिर्फ़ एक दिखा रही हूँ कि क्या है दो दो सौ रुपये में और अब मैं आ गई हूँ बेडशीट वाले भैया के पास इनका नंबर मैंने कई बार शेयर किया है फिर भी आप में से किसी को भी चाहिए हो बताना ये साढ़े तीन सौ रुपये की बेडशीट है ठीक है बिल्कुल कॉटन की है एम्ब्रॉयडरी और की है मैंने खुद भी ली है धोई भी है कई बार मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है और ये बहुत अच्छे थोड़ा सा बार्गिन भी कर देते हैं काफ़ी अच्छे भैया हैं ये इस बार टी शर्ट्स भी लेकर आए हुए थे दो दो ढाई ढाई सौ की रेंज पे काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स थी जेंट्स की टी शर्ट्स हैं इनके पास जब भी मटेरियल आता है साड़ीज़ भी आती हैं बहुत अच्छी आती हैं तो आपको अगर इनका नंबर चाहिए हो तो ज़रूर मैंशन करना बाकी इस बार इनके पास ये सारी बेडशीट्स आ गई हैं और पिलो कवर पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बहुत प्यारी लगती हैं कलर कॉम्बिनेशन भी ए है तो और ये पचास रुपये के दो हैं पिलो कवर्स खाली ठीक है ये भी इनके पास मिल जाएंगे और ये बिल्कुल डिस्पेंसरी के जो बिल्कुल सामने पतली गली है उसी के अंदर रहे है मिलते हैं यहीं स्कूटी पर भी मिलेंगे आपको और नंबर चाहिए तो आप बता दीजिएगा बाकी आपको मैंने प्राइस बता दिया है क्वालिटी अच्छी है और इन्हीं से आगे ये वाले भैया बैठते हैं रवि भैया और इनके पास सारा ना राजस्थानी जोधपुरी टाइप का सामान रहता है ये ओढ़ इनियान आपके आपको मिल जाएंगी ठीक है ये वाला बैग बड़ा प्यारा लग रहा था ये बड़ा पहले चलता था क्रेशिया का बैग है और सिर्फ भैया ने मुझे तीन सौ का बताया बाकी ये भी बागेन कर लेते हैं अनडाउटली तो इनके पास मस्त विजिट है आपको ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी मतलब पहले मैं आई थी तब तो तक तो सूट्स भी थे इनके पास बाटिक वाले जयपुरी वाले वो मैंने आपको दिखाए भी थे इस बार सूट्स तो नहीं थे बट आपको थ्री हंड्रेड की रेंज पे और नहीं मिल जाएगी थोड़ा बहुत ये भी बार्गिन कर लेते हैं तो करवा लीजिएगा इतने हवी हैवी, हैवी दुपट्टा मिल जाएंगे आपको मैरिज परपज़ से और इन इसके अलावा इनके पास क्या क्या है मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे बनारसी वाले दुपट्टे भी अगर आपको चाहिए ये ये एक प्रॉपर शक है ठीक है ना एक ही हैवी श्रक है कि आपने कुछ वेयर किया उसके पास श्रक डाली तो आपकी शादी वादी कोई अच्छे से अटेंड हो जाएगा एक फंक्शन और मैं दिखाती हूँ रुकिए रुकिए बनारसी दुपट्टे मिल जाएंगे आपको ये कोटियाँ मिल जाएंगी ढाई ढाई सौ रुपये की तो आप डैनियम के साथ भी इनको पेहरअप कर सकते हो काफ़ी अच्छी लगेगा कूल लगेगा और बाकी भी यू नो क्रिएटिवली आप पहन सकते हो डेढ़ सौ दो सौ रुपये की रेंज में ये इनके पास सौ रुपए के से स्टार्ट हो जाते हैं ये सब दुपट्टे हैं बनारसी दुपट्टे जयपुरी दुपट्टे फुलकारी दुपट्टे बीच में है और कॉटन वाले आपको डेढ़ सौ के दो मिलेंगे ठीक है ये बहुत अच्छे रहते हैं बहुत सॉफ्ट मटेरियल के रहते हैं गर्मी में आई थिंक ये कैरी करने के लिए सबसे अच्छा है और लास्ट में किसी ने लास्ट उसमें कमेंट भी किया था कि अगर गर्मी लगे तो पसीना है वो भी पहुँच लो हाँ यार बिल्कुल पहुँच लो मैं वाकई में हम भी घर में ये, ये यूज़ करते हैं बहुत अच्छे हैं और बड़े लोग तो ऑफकोर्स ये लाइक करते हैं इसके आगे चलते हैं ये एक भैया ना ज्वेलरी लेके बैठे हैं इसी गली के अंदर सब मिलता है ठीक है जी सब इसी गली में मिलता है इस बार भैया सामान कम लाए थे लेकिन इनके पास कई बार बहुत ज़्यादा सामान होता है आपको बड़े सही रेट पे ना डेढ़ सौ रुपये का ये देखो ये छोटा सा ब्रेसलेट है मेरे हाथ में सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज़ का और ये तो भैया बोल रहे हैं हो सकता है ये कम भी करते हैं मैंने अभी इनसे कोई बार्गिन नहीं किया और आपको ये बड़े ही चीप प्राइसिस पे सामान मिल जाता है ये सारा जर्कन टाइप का जो होता है ना वो सारा है यू नो आर्टिफिशियल ऐसे पेंडेंट सेट्स मिल जाएंगे आपको तो एक बार आप इन पे अगर आपको कुछ ऐसा ख़रीदना हो तो आप विज़िट कर सकते हो गली मैंने आपको बता दी है लोकेशन मैंने आपको बता दी है रवि भैया का नंबर भी है मेरे पास अगर आपको चाहिए तो बताना जिनके इनके पास ओढ़ियाँ थी और ये सब था कोटी वोटी और कॉटन के दुपट्टे ठीक है आगे चलते हैं आपको साढ़े तीन सौ में ना ये देखो इस तरह के सूट मिल जाएंगे मैं वापस से बाहर आ गई हूँ डिस्पेंसरी वाले रोड पर ठीक है अंदर से वापस से बाहर आ गई हूँ ये आपको थ्री फिफ्टी में पूरा प्लाजो सेट मिल जाएगा आई डोंट नो कि कैसे स्टिचिंग होती है यार मैंने कभी नहीं लिया अगर आप में से किसी ने लिया हो तो ज़रूर बताना मुझे कि कैसा होता है ठीक है ना क्योंकि पैसे साढ़े तीन सौ भी कम नहीं होते जहाँ साढ़े तीन सौ खर्च करने पे करने बंदा सौ रुपए और खर्च कर दे बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए उसके अलावा इस तरह से कोट सेट्स भी थे इनके पास ठीक है ना तो आगे चलते हैं अब ये भैया के पास जहाँ पे हाँ, इस बार सिक्स फिफ्टी में इनके पास सेल लगी हुई थी वैसे ये एट फिफ्टी के देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्योर के अच्छे कपड़ों के सूट्स मिलते हैं और गैजा के मसलिन के लेकिन इस बार सारा का सारा साढ़े छः सौ रुपये का इनके पास सेल था ठीक है आप चाहे कॉटन के लीजिए जैसे पार पार्टी वेयर लीजिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो हैवी सूट्स भी हैं लेने देने के लिए भी बहुत अच्छे हैं सिक्स फिफ्टी के लेकिन डिस्कलेम यही दूंगी खुलवा चेक कर चक करके लेना कई बार क्या होता है छोटा मोटा डिफेक्ट होता है इस मार्केट में वैसे छोटा सा यही प्रॉब्लम है बाकी चांदी चौक में ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं आता है वहाँ पर सारे आर्टिकल्स ठीक होते हैं थोड़ा सा प्राइस अगर उनका हल्का सा ज़्यादा है तो वो फिर उस हिसाब से भी है थोड़ा सा आप ना चेक करके लो ठीक है ना अपनी तरफ से केयरफुल होकर के लो भैया कितना भी मना करें अगर नहीं खुलवा रहे तो रहने देना बाकी आपको लॉन्चवेयर मिल जाएगा सारा का सारा डेढ़ सौ रुपये में लेकिन यहाँ के भैया कॉपरेटिव है खुलवा भी देते हैं और चेंज भी कर देते हैं और ये आपको मिल जाएगा वन फिफ्टी का बाकी इसे सस्ते भी मिलते हैं ठीक है कोर्ड सेट्स मिल जाएंगे ये सारे सेवन की रेंज में थे और नीचे जितने लगे हैं हैंगर पर सब थ्री के सिंगल पीसिस हैं ठीक है आप एक बार देख लीजिए सारा अच्छा है फैब्रिक अच्छा रहता है इनका ड्यूरेबिलिटी भी ठीक रहती है क्योंकि देखने में ही पता चल जाती है क्वालिटी तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर अब यहीं से मैं झूले वाले पार्क की तरफ भी जाऊँगी लेकिन पहले आपको कुछ और आर्टिकल्स भी दिखाऊँगी यहाँ पर मैं आ गई हूँ रईस भैया के पास और इस बार ये लिख आए थे सॉफ्ट टॉयज और तो इनकी जो सॉफ्ट टॉयज हैं ये वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी के थे आप देख सकते हो क्वालिटी विजिबल है अच्छे ब्रांड के अच्छी कंपनी के लग रहे थे और वाकई में अच्छे ही हैं ये हमेशा ब्रांडेड आइटम्स लेकर आते हैं इनके पास जब भी सामान आएगा ना तो ब्रांडेड ही आता है ठीक है ये डॉगी बड़ा प्यारा लग रहा था इसके दो तरफ फेस है बस आप आई एम श्योर एज अ डॉगी पहले कभी नहीं देखा होगा जिसके दो मुंह लगे हो और ये कुछ नहीं है बस कोई जिप विप नहीं है यार बस ऐसे ही सॉफ्ट टॉयज हैं बच्चों के लिए सबके प्राइस अलग हैं दो सौ से शुरू हो रहे हैं कोई दो सौ कोई ढाई सौ कोई तीन सौ भैया ने अपने मन से रखे हुए हैं सच बताऊँ तो पचास सौ भी कम करने को रेडी नहीं थे मुझे इतना अच्छा लग रहा था पिलो थ्री हंड्रेड का बता रहे थे और आई वॉज़ रेडी टू गिव टू फिफ्टी बट नहीं दे रहे थे बाकी सौ रुपये में आपको दस हैंगर्स मिल जाएंगे बच्चों के रूम के लिए अच्छे लगते हैं बाकी कपड़े इनके पास वही डेढ़ सौ और सौ रुपये के तीन ऐसे वाले भी होते हैं क्वालिटी अच्छी होती है नो no डाउट कई बार तो बहुत अच्छी कंपनी के भी लेकर आते हैं ब्रांडेड आइटम्स भी होती हैं बस आपको देखना होता है तो मैं इनके पास मस्ट विजिट करती हूँ कि एक बार देखती जाऊँ कि क्या इस बार नया लाए हैं इस बार तो इनके सॉफ्ट टॉयज ने धूम मचा रखी थी क्योंकि वो थे ही इतनी अच्छी क्वालिटी के और ये सारे लोवर्स भी सिर्फ और सिर्फ वन फिफ्टी के हैं तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है मार्केट बहुत सस्ता है यार अनडाउटली को ना यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल ही जाएंगी तो बेफिक्र के आना ठीक है शॉपिंग करना बच्चों के मिल जाएंगे पचास पचास सौ रुपये में बहुत ही बढ़िया कपड़े घर में पहनाओ पहने में भी, भी अच्छे लगते हैं और बाकी मॉल वाली आइटम्स हैं सारी आपको ये सारे जितने सॉफ्ट टॉयज दिख रहे हैं ना सब मॉल वाले हैं और सही uh, रेट पे दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है तो आप विजिट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम होंगे या नहीं होंगे आई डोंट नो बट अभी तो हैं और इतना माल पड़ा है कि नेक्स्ट टाइम भी होंगे ठीक है ना तो अब इनके साथ में ना ब्रांडेड बैग्स वाले भैया है बैठते हैं मैं आपको वो भी दिखा दूँगी अभी देखो ये छोटा सा एक पेंगुइन भी था इनके पास बड़ा क्यूट सा ना तो वो भी भैया ढाई सौ का ही दे देते हैं अब ये मैं आपको बैग दिखा रही हूँ ये सारे बैग्स अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपीज़ हैं इनके पास सेवन हंड्रेड से लेकर आपको 1500 हंड्रेड तक के रेंज के बीच के बैग्स मिलेंगे हर बैग का प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी बट बत येस आप जो बैग देखोगे वो आप पसंद कर लोगे इतनी तो मैं आपको श्योरिटी दूंगी एकदम स्टेटमेंट स्टाइल के बैग्स हैं एक बैग कैरी कर लिया बस हो गया और उसी के साथ में भैया लेकर आए हुए थे बड़ी सॉफ्ट यार होजरी के कपड़े की ये ना ओह माय गॉड ये तो एकदम बढ़िया थे गर्मी में तो यही तो बच्चा लगता है सिर्फ टू हंड्रेड के थे और उनके पास ना फोटी टू तक का साइज़ था अवेलेबल ठीक है ना बड़े बड़े साइजेस भी अवेलेबल थे और दो सौ रुपये की क्वालिटी के हिसाब से मतलब प्राइस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के रहे तो काफ़ी लोग बाय कर रहे थे ऐसे आपको बाकी ट्रैक पैंट्स और जेंट्स के ना ये टी शर्ट्स वगैरह वाले सूट्स वगैरह मिल जाएंगे इनके पास भी काफ़ी अच्छा अच्छा सामान रहता है ठीक है तो मस्ट विजिट है एक बार ज़रूर देखते जाना कि क्या क्या भैया लेकर आते हैं ये बास्केट है जिसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वॉश करने के लिए और वन फिफ्टी की थी बाकी बॉटल्स वग़ैरह बहुत सारी मिल जाएंगी ये टू फिफ्टी के भैया बता रहे थे ये दो लीटर की है और इसके अलावा अलग अलग प्राइस है यार सबका अलग अलग है बस पूछ लेना एक बार सामान दिखा रही हूँ क्या क्या मिल जाता है इस मार्केट में सब मिल जाता है मैं आपको बता रही हूँ ना घर का गृहस्थी का फैमिली के लिए सब के लिए शॉपिंग करो आप यहाँ पर मस्त आके बस गर्मी है तो बॉटल ज़रूर लेके आना पानी की हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा आपको ऐसे वन पीसेस चाहिए तो सेवन फिफ्टी की रेंज में भैया के पास ऐसे वन पीसेस वाली ड्रेसेस भी कॉटन की सुंदर सुंदर आपको यहाँ मिल जाती हैं आगे भी बड़ी शॉप पर लेके जाऊँगी जहाँ पर आपको सात सौ साढ़े सात सौ में काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी अभी आप मेरे साथ चलिए झूले वाले पार्क का वो है ठीक है ये पचास पचास रुपये के टेब मैट्स हैं फ्लोर मैट्स हैं और मैं आपको बच्चों वाले रूम के लिए भी मैट्स सिखाती हूँ अभी आके मैंने भी बाई किया एक बार एक बार नहीं अभी किया इस बार ही और भैया के पास टॉवल्स भी मिल जाते हैं ये बैग्स वाले भी हैं बैठते हैं ठीक है बैग में इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया वाले हो सब लो क्वालिटी के हैं और मतलब ठीक है बच्चियों के लिए अच्छे हैं छोटे बच्चों को तो देने के लिए यही ठीक है सौ सौ रुपये वाले और इसके बाद ये हैंड टॉल्स हैं ये सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ के हैं बट इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इनके पास हमेशा ही टॉवल्स अच्छे वाले होते हैं कई बार तो बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स के लेकर आते हैं तो एक बार इनके पास भी झाक कर जाना <laughs> मतलब मैं भी यही करती हूँ अच्छा लगता तो कि बाय कर लेती हूँ और मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले भी इनसे लिए मैं सिर्फ पचास रुपये के हैंड टॉवल्स मैंने आपको दिखाए भी थे अपने पिछले ब्लॉग में जो वाकई में बहुत अच्छे जैसे देखो किचन टावर कितना सुंदर लग रहा है मतलब कि जिनके हैंडल पे टाँगो तो बड़ा प्यारा लगेगा और वाकई में सिर्फ पचास रुपये का है ठीक है बाकी बड़े बड़े दिखाऊंगी तो वो ढाई ढाई सौ के और एक चीज़ और थी जो बच्चों के बाद के लिए थी मैं भी आपको दिखाती हूँ वो जैसे कैप डाल के रैप शीट थी वो भी अभी दिखाती हूँ भैया के पास थी और भैया दे रहे थे वो कुछ टू हंड्रेड की यस टू हंड्रेड पीस वो ऊपर रंग दिए देखो इसमें दो तीन ये ये दी ये दे रहे थे दो सौ रुपये की तो मतलब बच्चा बड़ा सुंदर लगेगा भैया भी यही कह रहे थे कि रैप कर दो बच्चे को तो बच्चे को भी एक अच्छा सॉफ्ट फील आएगा और प्लस बच्चा लगेगा बहुत प्यारा पिक्चर्स भी बड़ी प्यारी आएंगी तो अगर ऐसा कुछ चाहिए हो या गिफ्ट करना हो तो टू हंड्रेड में आप ले सकते हो और इसी के सामने भैया बैठे थे सौ सौ रुपये में इनके पास ऐसे नेकलेस आपको पर्स ऐसे जनपद वाला आइटम लेके बैठते हैं ठीक है ना बेसिकली जो आप जिसके लिए जनपद जाने की जरूरत नहीं है ये भी मिल जाएगा यहीं पर ही अगर आपको ये सब चाहिए Uh, तो इस मतलब स्टैक्स वगैरह हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी आपको इस तरह के पल वाला भी मिल जाएगा रेट थोड़ा ज़्यादा बताएंगे बैगल्स का रेट ठीक बताते हैं वही पचास रुपये और नेकलेस का सौ रुपये बस आपको इनका थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे तो आप ये करा लेना ठीक है ना बैग्स का ये चार सौ कुछ साढ़े चार सौ बताते हैं तो वो आप थोड़ा लगवा के लेना प्राइस ठीक है ये फिफ्टी रुपीज़ का है और ये भी सारे अच्छे डिज़ाइंस रहते हैं पहने हुए सुंदर लगेंगे हाथ में जब आप डालोगे ना तो एक बार ट्राई करना अच्छे लगेंगे और ये भैया दे रहे हैं सौ रुपए के तीन ये सब ब्रांडेड हैं सब ब्रांडेड है अच्छी क्वालिटी के हैं बच्चों के हैं इनरवेयर है और आप इनरवेयर ले सकते हो यहाँ से ठीक है ना आपको पैंटीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के अंडरवेयर मिल जाएंगे आपको सब और ये सब आपको मिलेगा सौ रुपए के तीन पीस ठीक है आपको अभी और भी दिखाती हूँ बॉडी केयर का अब इन्हीं के सामने ना मैट दे रहे थे पहले मैट दिखा देती हूँ ये बच्चों के रूम के लिए बेसिकली ये हंड्रेड रुपीज़ का दे रहे थे एक फिर इन्होंने डेढ़ सौ के दो भी लगाए ठीक है आप बच्चों के बॉयज हैं तो कार वाला ले सकते हो जैसे मैंने ये फिश वाला लिया और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे ठीक है ना तो आपको मैं अभी और भी डिज़ाइन सिखाती हूँ काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं यार इनके पास बहुत सारे हैं रेट थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करवाना हो एक बार ट्राई ज़रूर मानना ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो फिक्स्ड हो गया आप कर लेना उसके बाद ये देखो बॉडी की सारी टी शर्ट्स हैं वन सिक्सटी रुपीज़ की इसमें आपको ना बच्चों के लिए शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी लोवर्स भी पड़े हुए थे छाट लेना बड़े लोवर्स थे वो थोड़े महंगे थे दो दो ढाई ढाई सौ के थे बाकी ये सब वन सिक्सटी वाला आर्टिकल है सारे ठीक है तो ये ज़रूर आप चेकआउट करना और अच्छी कंपनी की है मैं अपने बच्चों के लिए यहीं से लेकर जाती हूँ और आई एम श्योर कि जो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो भी यहाँ पे शॉपिंग करते हैं आप सब जरूर बताना कैसा लगता है आपको यहाँ पर शॉप करना और वीडियो में आपको कैसी वीडियो लगी वो भी जरूर शेयर करना मेरे साथ मुझे पता चले ठीक है और हाँ एक खुशखबरी है जो मुझे आपको एंड में देनी है वो भी मैं ज़रूर ज़रूर दूंगी अभी आप पहले बॉडी केयर के सारे एक ब्रांड के कपड़े देख लीजिए सारे एक अच्छी ब्रांड के कपड़े हैं और सब 160 में है ये जो मैं आपको शॉप बता रही थी ना ये मैं आपको लेके जा रही हूँ भैया की शॉप में इनके पास आपको वन पीस भी मिल जाएंगे सूट भी मिल जाएंगे सात और साढ़े सात दो रेंज है ठीक है आ जाइए जितने ये सूट देख रहे हो थ्री पीस सूट्स हैं और इन सब का प्राइस है सेवन हंड्रेड ओनली सेवन हंड्रेड क्वालिटी सबकी अच्छी है एक बार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली ये सब सेवन हंड्रेड की रेंज के सूट्स हैं जितने भी लगे हैं इवन ये ग्रे वाला भी आपको सेवन हंड्रेड की रेंज का मिलेगा थ्री पीस है पूरा और अभी चिकनकारी टाइप के देख रहे हो ये सब आपको सेवन फिफ्टी के मिलेंगे ये पैंट्स और इसके अलावा वन पीस वाली जो ड्रेसेस हैं कॉटन की वो भी आपको सेवन फिफ्टी की मिलेंगी मैं वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ आपको वो भी अच्छी लगेंगी ये सब सेवन फिफ्टी की रेंज की हैं सारे वन पीसीज ड्रेसेस हैं ठीक है तो इन भैया के पास ये पतली गली है ना जब झूले वाले पार्क से पतली गली से आप वापस डिस्पेंसरी वाले रोड पर आ जाते हो बस ये उसी गली में शॉप है आपको वहाँ मिल जाएगी और जो मैं आपको बता रही थी कि अच्छी गुड न्यूज़ क्या है वो गुड न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक नया घर ख़रीदा है मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मैं आपको उस घर का भी जरूर होम टूवर्क भी कराऊंगी और दिखाऊंगी भी बहुत छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा घर है तो आप बस चैनल पे बने रहना तो मैं उस घर के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट करती रहूँगी और ज़रूर उस घर के ब्लॉग्स भी डालूँगी क्योंकि अभी मुझे उस घर के लिए नया फर्नीचर भी खरीदना है तो वो सारे काम भी हैं और मैं इसीलिए थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी उस वाले काम में क्योंकि वो बहुत एक बड़ा काम था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैंने निपटाया है हम लोगों ने एक्चुअली निपटाया बड़ी मेहनत लगी है उसमें और इस तरह के आपको लिबास के कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर सूट्स ग्यारह सौ नौ सौ सात सौ की रेंज स्टार्ट हो जाती है ठीक है और बाकी बच्चों के हैं वही दो सौ ढाई सौ वाले तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो स्टेट ट्यून चैनल पे बने रहना और जो भी अपकमिंग ब्लॉग्स आएंगे वो जरूर देखना मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय बाय चेक केयर